ओके दोस्तों, तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने वाला है मैकलियन पार्क नेपियर न्यूजीलैंड पे। और दोस्तों, अगर आप लोग इस मैच के लिए अपने लिए फैंटेसी की एक परफेक्ट टीम बनाना चाहते हो जो कि आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग विन करके दे, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, देखेंगे उनके रीसेंट स्टैट्स को, देखेंगे सबसे पहले नेपियर न्यूजीलैंड पे पिच का बिहेवियर कैसे रहने वाला है मैकलियन पार्क पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख लेते हैं वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। रिसेंटली खेले गए मैचेस की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट मैच दोस्तों इस वेन्यू पे हुआ था ना, वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में ही हुआ था, और ये मैच हुआ था 2021 पे। न्यूजीलैंड की टीम ने 173 रन बनाए थे, 3 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर को मिला था, और बांग्लादेश की टीम जब इस रन को चेस करने गई तो 142 रन बना पाई थी, 6 विकेट पेसर को मिले थे, 1 विकेट स्पिनर को मिला था। ओके, बाकी न्यूजीलैंड के जो पिच है ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्टली पिच यहां पर आप लोगों को पेसर को ही एडवांटेज देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के पिच में ना बॉल अच्छी खासी स्विंग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए ये होम ग्राउंड है और बांग्लादेश के प्लेयर उतने यूज टू नहीं है सीम कंडीशंस के, स्पिन पे अच्छा खेल लेते हैं, तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप को होपफुली आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। जिन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां पर आप लोगों को इस मैच की फाइनल मेगा ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर और बहुत सारे ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। तो मस्ट ज्वाइन ग्रुप है दोस्तों, मिस मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड की टीम पे टिम सिफर्ट और फिन एलन आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे रचित रविंद्र आते हैं, फिर ग्लेन फिलिप्स आते हैं, उसके बाद डेरी मिशेल आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मार्क चैपमैन दिखेंगे, उसके बाद मिशेल सैंटना दिखेंगे ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, फिर आप लोगों को यहां पर जेम्स निशम या जैकॉब डफी में से कोई एक बंदा खेलता हुआ दिखेगा। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात करूं तो टिम साउदी, एडम मिलने और इश शोडी आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिटिन दास और सौम्य सरकार आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे नजमुल हुसैन शेंटो आते हैं, उसके बाद तौहीद हृदय आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे, फिर दोस्तों यहां पर आप लोगों को रोनिक तालुकदार या शमीम हुसैन खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे अफीफ हुसैन दिखेंगे, मेहंदी हसन मिराज दिखेंगे, फिर यहां पर आप लोगों को मेहंदी हसन खेलते हुए दिखेंगे या उनके बदले यहां पर आप लोगों को तनवीर इस्लाम भी खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात करूं तो शरूफुल इस्ताम, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस करके एक एक प्लेयर के स्टैट्स को समझते हैं। बात करूं दोस्तों यहां पर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे न्यूजीलैंड की टीम पे आप लोगों को टिम सिफर्ट देखा गया। लास्ट के 5 मैच का परफॉर्मेंस देखोगे टिम सिफर्ट का, 13 रन, 9 रन, 39 रन, 19 रन, 48 रन। T20 करियर देखोगे तो 50 मैच में 27 के एवरेज से खेलते हैं, 50 8 बार बना चुके हैं, वेन्यू पे 2 मैच खेला है, 19 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 35 रन का है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की टीम से आप लोगों को लिटन दास खेलते हुए दिखते हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस 47, 83, 5, 18, 35। बाकी हेड टू हेड देखो परफॉर्मेंस, 10 मैच में सिर्फ 11 का इनका एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसपे 6 का इनका एवरेज है, ओवरऑल 23 के एवरेज से खेलते हैं। अब अगर आप लोग टीम बनाने जाओगे ना तो आप लोग देखोगे लिटन दास का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, ठीक है, वहीं टिम सिफर्ट का सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, डाउन है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने टीम में ना टिम सिफर्ट को लेकर चलना, क्यों, क्योंकि ध्यान दो टीम सिफर्ट टीम के लिए विकेट कीपिंग करेगा और ये बात कंफर्म मान के चलो कि चांसेस हाई है कि यहां पर आप लोगों को बांग्लादेश के टीम के पूरे 10 के 10 विकेट गिरते हुए दिखेंगे। अब 10 विकेट निकलेंगे ना तो टीम सिफर्ट के पास कैचेस के चांस होंगे, स्टंपिंग के चांस होंगे और रन के चांसेस होंगे, रन आउट के, ठीक है, तो इसके उसे क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले हैं टीम सिफर्ट को,
प्लस जो ये कंडीशंस है ना, ये होम कंडीशंस भी दोस्तों टिम सिफर्ट को एक एडवांटेज देगी। और लिटिन दास की अगर मैं बात करूं तो देखो वेन्यू पे भी स्ट्रगल किया है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स के आगे भी स्ट्रगल किया है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लिटिन दास को टीम से एलिमिनेट करके चलेंगे, जो कि आप लोगों को एक क्लीन स्वीप दे सकता है हेड टू हेड और थ्री स्पॉट तक, अगर लिटिन दास फ्लॉप होते हैं और टिम सिफर्ट यहां पर आप लोगों को रन करते हुए दिखते हैं। तो अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि क्लैरिटी के साथ आप लोग अपने लिए टीम बना पाओ। ओके, न्यूजीलैंड की टीम पे फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, डेरी मिशेल और मार्क चैपमैन खेलते हुए दिखेंगे। फिन एलन के बारे में एक बात बता दूं, ये ताबड़तोड़ प्लेयर है दोस्तों, मतलब अंधाधुंध बैटिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3-21, 3-83 देखो यहां पर चलाना, फिर उसके बाद 16 अगर चल जाता है ना तो बहुत हार्ड हिटिंग करके खेलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेन्यू में 2 मैच खेले हैं, 2 उसने 10 ही रन बनाए, बट हेड टू हेड देखोगे तो 8 मैच में 25 के एवरेज से खेला है, एक बार सक्सेसफुल रहा है और चांसेस मुझे कल के मैच पे इसके चलने के लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चलता है लेकिन जब चलता है ना तो तूफानी पारी आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिस्क लीजिएगा फिन एलन के साथ, लोग नहीं ले रहे हैं, इस बात को ध्यान मैं दे रहा था। सिलेक्शन परसेंटेज 16-20% के बीच में दिख रहा होगा, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा क्लीन स्वीप करना है तो फिन एलन को पक्का से लीजिएगा टीम पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लेन फिलिप 2-41, 2-69, 42, ठीक है, और लेफ्टी के सामने बॉलिंग भी करने आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पिन कर लेते हैं, बाकी हेड टू हेड 5 मैच में 89 के एवरेज से खेलते हैं, 50 दो बार बना चुके हैं। वेन्यू पे भी 3 मैच में 71 के एवरेज से खेले हैं और 2 बार 50 बना चुके हैं। मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, सीवीसी के एक अच्छे कंटेंडर है मेगा ग्रैंड लीग पे। अगर आप लोग देख रहे हो कि कोई लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर एज अ कैप्टन कंटेंडर, तो ग्लेन फिलिप वन ऑफ दैट प्लेयर है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप लोग रिकॉर्ड देखोगे तो रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। डेरी मिशेल की अगर मैं बात करूं तो 15-7, 0-8, 14 थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, डेरी मिशेल के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर न्यूजीलैंड की टीम चेस करने आए तो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बैटिंग करने आती है ना पहले तो उस कंडीशन पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये नोट डाउन करके रखिएगा। सेकेंड इनिंग्स पे डेरी मिशेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स पे मस्ट पिक प्लेयर है, हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर एज अ कैप्टन। स्टिल मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, फर्स्ट इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इनिंग्स पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर बांग्लादेश की टीम यहां पर खेलने आती है ना तो जो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर है, ठीक है, जिसपे आप लोगों को टिम सिफर्ट है, फिन एलन है, ग्लेन फिलिप है, रचित रविंद्र है, यही आप लोगों को मेजोरिटी ऑफ रन बनाकर दे देंगे, तो उस कंडीशन पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, न्यूजीलैंड की टीम चेस करेगी तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बैटिंग फर्स्ट करने आती है तो लास्ट के 15-20 बॉल पे ही आप लोगों को 40-50 रन करके दे सकता है, सिलेक्शन परसेंटेज हाई, स्टिल एक ड्रॉप आउट कैंडिडेट रहता है। मार्क चैपमैन की अगर मैं बात करूं तो 51-11, 15-8, 0 वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 9 का एवरेज है, डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आता है, ड्रॉप करके चला जा सकता है। बांग्लादेश की टीम पे नजमुल हुसैन शेंटो 14-2, 4-14, 4 आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ड्रॉप किया जा सकता है। तो ही धीरे धीरे 13-24, 12-47, 19 रॉनी तालुकदार अगर खेलते हैं तो यहां देखो 24-67, 44, 14 और 4। अच्छा, नजमुल हुसैन शेंटो को जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ड्रॉप करो, बट यहां पर अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, ये दो प्लेयर दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ही धीरे दो और रॉनी तालुकदार, नाम याद रखना इस प्लेयर का कल के मैच के लिए मेगा ग्रैंड लीग पे। इन दोनों में से आप लोगों ने एक प्लेयर को अपने टीम पर रखना ही है। हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर कौन कौन से ड्रॉप कर रहे हैं कंडीशंस के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर किन्हें आप लोगों ने पिक करना है उस बात को भी ध्यान रखना। तो ही धीरे धीरे रॉनी तालुकदार, इनमें से कोई एक प्लेयर यहां पर आप लोगों को बड़ा इनिंग्स खेलता हुआ दिख सकता है, इस बात को सभी लोग ध्यान रखेगा। मल्टीपल टीम्स बनाइएगा, एक टीम पर तो ही हृदय को ट्राई कीजिएगा, एक टीम पे रॉनी तालुकदार को ट्राई कीजिएगा। लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है दोस्तों, अगर परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग पे एक अच्छी रैंक लाने पे बहुत मदद करेंगे। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो
न्यूजीलैंड की टीम पे आप लोगों को रचित रविंद्र दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, बॉलिंग भी करता है, आप सभी लोगों को पता होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड दो उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अ मस्ट पिक कंटेंडर है, आप लोग लेकर चलिएगा। काफी लोग सीवीसी लाएंगे मेगा ग्रैंड लीग पे, वैसे सीवीसी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हाई सिलेक्शन परसेंटेज, एज अ कैप्टन मैं देख रहा हूँ सिलेक्शन परसेंटेज 40 के आसपास है, तो इतना हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग के कैप्टन नहीं बनाना होता है, ठीक है ना। बट टीम पर लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशेल सैंटना भी यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, दो स्पिन को इतना एडवांटेज नहीं है, बट इस वेन्यू पे तीन मैच खेला है, तीन विकेट निकाले हैं, हेड टू हेड भी चार मैच खेला है, चार विकेट निकाले हैं, मतलब एक विकेट तो निकाल ही लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। तो सेकंड इनिंग्स पे दो बॉल यहां पर थोड़ी बहुत स्पिन हो सकती है सेकंड इनिंग्स पे, फर्स्ट इनिंग्स पे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये भी हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जेम्स निशम की अगर मैं बात करूं तो ये एक पंट पिक बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पेशली किस कंडीशंस पे। कंडीशंस ये है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आ जाती है तो, ठीक है ना। जेम्स निशम ना दोस्तों डेथ पे भी आके बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां देखो एक विकेट, तीन विकेट, दो विकेट, ठीक है ना, इस कंडीशंस पे देखो, इस कंडीशंस पे देखो, तो गेम चेंजर बना है। यहां भी देखो तो रन बना के गेम चेंजर बना है, मतलब गेम चेंजर बन सकता है, पांच मैच में तीन मैच में गेम चेंजर बना है, तो एक हाई पोटेंशियल प्लेयर रहता है। स्मॉल लीग पे मिशेल सैंटना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बांग्लादेश के टीम से सौम्य सरकार, स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं है, बैटिंग परफॉर्मेंस 4, 14, 15, 0, 20, हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है, मैं ड्रॉप करके चलूंगा दोस्तों। आफिफ हुसैन अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 2, 24, 43, 7, 20, बाकी बॉलिंग इस कंडीशंस पे कराएंगे नहीं कराएंगे पता नहीं, मैं स्टिल आफिफ हुसैन को भी ड्रॉप करूंगा। मेहंदी हसन मिराज यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है, देखो फिफ्थ डाउन पोजीशन है ना, किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अपने पूरे चार ओवर भी डालेगा और चाहे किसी भी पोजीशन पे खेले, बैटिंग उसकी आनी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। मेहंदी हसन की अगर मैं बात करूं तो 1-0-0-0-1 यहां पर देखोगे तो एक मैच खेला है, दो विकेट निकाला, 12 मेगा ग्रैंड लीग का प्लेयर है, स्मॉल लीग का नहीं है ये, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज यहां पर इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के गिव अवे का क्वेश्चन सुनो, आपने मुझे बताना है रचित रविंद्र इस मैच में कितना रन बनाएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि 28 रन बनाएगा और एक विकेट लेगा 17 रन देकर, तो ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, बाई चांस आपका कमेंट सही हो जाता है तो आप लोग 50,000 रुपए तक का कैश अवार्ड विन कर सकते हो, तो सभी लोग कमेंट पक्का से कीजिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस, बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम पे आप लोगों को तीन बॉलर दिखेंगे, टिम साउदी, एडम मिलने और इशोडी, आपने इन तीनों बॉलर्स को पिक करके चलना है, एक को भी मिस मत करना, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां देखो वेन्यू पे चार मैच में सात विकेट है, दो मैच में तीन विकेट है, स्पिन को एडवांटेज नहीं है, वेन्यू पे चार पे एक विकेट है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, क्लियर। इशोडी भी स्मार्ट बॉलर है दोस्तों, विकेट निकाल सकता है, तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों आप लोगों के लिए ब्लाइंड पिक रहते हैं। और अगर बाय चांस न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आ जाती है तो टीम सऊदी और एडम मिलने में से कोई आप लोगों को सीवीसी का भी कंटेंडर बन सकता है। अगर बांग्लादेश की टीम बड़ी रन नहीं बनाती है और इन दोनों में से कोई एक चार विकेट निकालता है तो ये सीवीसी के भी अच्छे कंटेंडर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर शोरूफुल इस्लाम की, ये एक अच्छा बॉलर है, मुस्तफिजुर रहमान भी अच्छा बॉलर है, बाकी हसन महमूद की अगर मैं बात करूं तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस प्लेयर को, ठीक है। अच्छा शोरूफुल इस्लाम को आप लोग दोनों कंडीशंस पे ट्राई कर सकते हो, मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, आप लोगों ने इसे लेना ही है। बाकी मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद में से आप लोग किसी एक प्लेयर को कंडीशनल पिक कर सकते हो अगर बांग्लादेश की टीम यहां पर फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है, उस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अभी के टाइम पे मैंने एक स्मॉल लीग की टीम बनाई है आप लोगों के लिए, उस टीम को आप लोगों को दिखा देता हूं। बाकी मेगा ग्रैंड लीग के टीम के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे पक्का से कनेक्ट हो जाइएगा। मैंने दोस्तों यहां पे टिम सिफर्ट को लिया है, बाकी डैरी मिशेल, ग्लैन फिलिप और फिन एलन है। ध्यान रखिएगा मैं यहां से डैरी मिशेल को सीधा सीधा ड्रॉप कर दूंगा अगर न्यूजीलैंड की टीम यहां पर चेस करने आएगी, और यहां पर मैं यहां पर जेम्स निशम को ट्राई कर सकता हूं उस कंडीशन पे, ध्यान रखिएगा, क्लियर। बाकी सैंटना, रचित रविंद्र और मेहंदी हसन मिराज है, बाकी टिम साउदी, एडम मिलने, इशोडी और शोरूफुल इस्लाम है अभी के टाइम पे। देखो स्मॉल लीग पे क्योंकि मोस्टली 40% लोग इसे ही कैप्टन लेकर आ रहे हैं, तो हेड टू हेड में आप लोगों को इसे ही ट्राई करना चाहिए, वरना आप लोगों के लिए ग्लैन फिलिप एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। मेरे हिसाब से तो ग्लैन फिलिप हो गया, टिम साउदी हो गया, एडम मिलने,
ये आप लोगों के मेगा ग्रैंड लीग के सीवीसी के कंटेंडर रहेंगे इस मैच पे। बाकी बांग्लादेश के टीम से मेहंदी हसन मिराज को मैंने ट्राई किया है और सुरफुल इस्लाम को ट्राई किया है। मेहंदी हसन मिराज को भी आप लोग बीसी कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी टीम उसी हिसाब से बताइएगा, बनाइएगा जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव रहता है, तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।